किसान भाइयों, ये जो हम कई दिन से हमारी जो कार्रवाई चल रही है इस खेत के ऊपर, इस खेत के साथ, ये इस खेत में जो हमारी कार्रवाई चल रही है वो चल रही है जुताई की, खाद डालने की। जो हम कल खाद डाल रहे थे इसमें, तो ये हमने अब सुबह आके ये देखिए अब सारा जो है खेत में फैला दिया है इसे फावड़े के द्वारा। और जो है अब इसमें हम ये पहले भी कई जुताई हो रही थी इसमें, हमने जो है दो बार मैड़ा लगा के दबा रखा था इसे। अब इसमें रोटावेटर चला रहे हैं चौधरी बबलू पूनिया। तो ये देखिए और रोटावेटर चल रहा है इसमें मैसी के साथ, मास्कियो कंपनी का। तो दोस्तों ये देखिए आप, इधर जो है मोटे मोटे ये खाद के डले पड़े हैं, और इधर ये देखिए जो है बिल्कुल ये इसे मिट्टी में मिला दिया है बहुत अच्छी तरह से। तो अब इसमें हम दो बार निकाल देंगे और फिर जो है वो देखिए बीज खाद रखा है बुग्गी के पास में, और फिर जो है हम इसमें जो है हमारे यहाँ 226 जो बीज है वो बहुत अच्छा माना जाता है गेहूँ का, उसे उसकी बुआई कर देंगे, उसे बो देंगे। और ये देखिए किसान भाइयों, ये कितने सारे जो परिंदे हैं, बुगले हैं, ये जो हैं रोटावेटर चल रहा है, और उसके पीछे पीछे ये जो है तुरंत अपना जो खाना पीना है वो उठा रहे हैं और खा रहे हैं। गेहूँ बोए हुए अच्छे निकलते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर दिसंबर में ही बुआई होती है। देखिए किसान भाइयों, कितनी अच्छी जुताई हो रही है, बढ़िया तरह से पटिंग कर रहा है इसकी, खाद को मिट्टी में मिलाते हुए। और थोड़ा सा हम ये सर्दियों के मौसम में ही खाद साथ के साथ इसलिए डलवाते हैं क्योंकि एक बार तो इसकी जुताई होगी अब, और एक बार हो जाएगी गेहूँ के बाद में, जो जई के खेत हैं या गेहूँ के हैं या और भी चारे के हैं, तो इनमें जो है दो बार जुताई होगी तब फिर गन्ना बोएगा। तो आप देखिए कितना जो है ये बहुत अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, जो कुछ ताकत तो खेत को मिल जाएगी, कुछ गेहूँ को मिल जाएगी, और जो है कुछ मिल जाएगी अगले जो गन्ने की बुआई होगी गेहूँ के बाद में गर्मियों में, क्योंकि उस टाइम पर जो है गर्मी ज़्यादा आ जाती है, समय कम रहता है इनकी बुआई का, तो जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं काम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।